अपना उसे तो उस बच्चे ने आज अपने पापा की लाश के पास खड़के एक नारा दे रहा है, अब तो तेरे खून से इनकलाब आएगा। क्योंकि मैं कभी भी ये बात कहने से पहले पीछे नहीं डरता, आतंकवादी कभी कोई बनता नहीं है, आतंकवादी देश की हुकूमतें बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। वो आपसी लड़ाइयों को बोला जाता है, वो एक सरकारी कत्लेआम था, जिस कत्लेआम के अंदर हमारी पता है कितनी माँ बहनें आज भी गुमशुदा है, जो गुम है आज भी। ये आपको दंगे का नाम दे रहे हैं साहब, ये कत्लेआम नहीं, ये नस्लकुशी है। पर इसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ, इसमें किसी भी धर्म के लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नस्लकुशी हमारी 1984 में इंदिरा ने भी कराई थी, और ये नस्लकुशी आज मोदी ने 2002 के बोल देता हूँ ना, अब उसको कल को आपको प्रॉब्लम न रहेगा। क्योंकि मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से लिंक नहीं रखता, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे MIM है, चाहे कोई तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कोई भी हो, मैं एक फ्रीडम हूँ। हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, कभी हमदारों को गोली मारो सालों को। और उन चड्डी गैंग वालों के पास हम इतना वो नहीं है जितना हमारे पास इतिहास है। इतिहास गवाह है कि हमने इस देश को आजाद करवाया था तो हम पांचों पे जुड़े थे। हमारे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है कि इन रेपिस्टों से और ये जो जालम है उनसे कैसे निपटा जाए। तो मैं पहले ही बोला कि मैं आपको, आप 60 डेज हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एहतजाज हुआ उस देखो, पहले तो मेरे यहाँ के कॉलेज वालों को, निजामिया कॉलेज वालों को दिल की गहराइयों से सलूट है कि जो स्टडी के साथ साथ इस हुकूमत के साथ भी लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ऐसे आगे आए तो ये हुकूमत फिर सकती है। तो हमारा फ़र्ज बनता है, जितने भी इंसानियत पसंद करने वाले हैं, सिर्फ इतने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आके इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो शाहीनबाग में जिस तरह हादसा हुआ, दिल्ली में जो हादसा हुआ, जिसका वो एक देखो, वो एक सरकारी कत्लेआम था जो सरकार की सोची समझी साजिश से हुआ है। क्योंकि कोई भी कत्लेआम, कोई भी दंगा बिना सरकार की शह से नहीं हो सकता। जब तक आपने देखा कि वो दिल्ली पुलिस ने उस चीज़ को सपोर्ट किया है, और इसीलिए वो हम उसको क्लियर बोलते हैं कि वो एक सरकारी कत्लेआम था जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की नस्लकुशी की गई। नेशनल मीडिया तो बता रहा है, मीडिया तो ऑलरेडी गोदी मीडिया का है, क्योंकि वो तो सच वैसे ही नहीं बताएगा, क्योंकि हमें सच की उम्मीद है ही नहीं उनसे। ठीक है, अगर हमें सच देखना है तो हमें खुद वहाँ पे जाके देखना चाहिए अपनी आंखों से, या फिर हमें रवीश कुमार जैसे को सुनना चाहिए जो एक रियलिटी पेश करते हैं। या को आपको देखना है, कुछ पंजाब के ऐसे चैनल हैं डेली पोस्ट जैसे, जिनको आप देखो, उन्होंने शरेआम इसको सरकारी कत्लेआम का नाम दिया हुआ। आप क्या मानते हैं? कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये खतरा इतना मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है जितना SC ST वालों के लिए। क्योंकि जितना वो शोषण हो रहा है SC ST वालों का, तो उसमें अगर मुस्लिम भाई उनकी सपोर्ट के लिए आगे आते हैं, उनके हक के लिए आगे साथ में खड़ते हैं, तो आज मेन जरूरी है कि इस दौर में SST वाले को पहले आगे आना चाहिए मुस्लिम भाइयों के लिए। पंजाब में भी तो मैं तो एक बात बोलता हूँ साहब, ये इसमें पार्लियामेंट में इसका बिल को करवाना, तो उससे अच्छा तो क्या है, आप इसको रिवोक करो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर करो, प्रेशर करने के बाद आप आवाम को सपोर्ट करो, पीसफुल तरीके से रोड पे आ रही हैं, तो उनको गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि उनको पीसफुल तरीके से आके अपना विरोध कर लेने देना चाहिए। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई सेंटर की गवर्नमेंट से है। तो हम सेंटर की गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये तेलंगाना KCR साहब, आप तो ऑलरेडी, अगर आप आज इस आवाम का साथ देते हो तो लाइफ टाइम आवाम आपका साथ देगी। जो जिस तरह तो एक जहाँ से हमें इंसाफ मिलता ना, उनको मारा गया, बोले तो अब हमें इंसाफ की कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही कि कहीं से हमें इंसाफ मिलेगा। कि जहाँ पे रातों रात जज को चेंज किया जाता है, एक साइड तो जो कत्लेआम कर रहे हैं उनको आप Y+ सिक्योरिटी दे रहे हो, Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, और एक साइड जो जज एक सही डिसीजन दे रहा है आप उनको रातों रात उनको चेंज कर रहे हो। तो वो एक क्लियर मेंशन हो चुका है कि जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, हमारे कानून तक भी वो हावी हो रही है। तो हमारे उन चीज़ों से आज़ाद कराना। थैंक यू।